हरियाणा में स्थित तोशाम को अपने मंदिरों और पहाड़ों के साथ साथ बंसीलाल के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए बंसीलाल चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा की तोशाम सीट से उनका रिश्ता ऐसा रहा कि हरियाणा के गठन से अब तक सिर्फ दो बार ही उनका परिवार इस सीट से चुनावों में हारा है। मगर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये गढ़ अब टूटने वाला है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि हाल ही में बंसीलाल की बहू किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है और अब तक वही तोशाम की विधायक थी। उनकी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी दावेदार तो हैं, लेकिन क्या बीजेपी एक ही परिवार के दो लोगों को टिकट देगी? अब इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के टिकटों के ऐलान के बाद ही पता चल सकता है। मगर ये तो तय है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी को बीजेपी का फैसला मानना होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तोशाम को लेकर किरण चौधरी की बीजेपी के बड़े नेताओं से बात न हुई हो। आपको बता दें कि बंसीलाल के दो बेटे हैं, एक सुरेंद्र चौधरी जिनका 2005 में निधन हो गया था, और उन्हीं की जगह पर तोशाम का उपचुनाव लड़कर किरण चौधरी विधायक बनी थी। फिर 2009, 2014 और 2019 में भी सीट पर चुनाव जीता। बंसीलाल के बड़े बेटे का नाम रणवीर सिंह महेंद्र है। रणवीर के बेटे अनिरुद्ध भी तोशाम से टिकट चाहते हैं, मगर वो अभी कांग्रेस में हैं। खबरें हैं कि कांग्रेस में हुडा परिवार से बंसीलाल परिवार का कुछ मनमुटाव चल रहा है। हुडा परिवार से टकराव की वजह से ही किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या भूपेंद्र हुडा अनिरुद्ध को तोशाम से टिकट देंगे, और वो भी तब जब बीजेपी बंसीलाल परिवार को टिकट ना दे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भिवानी लोकसभा सीट पर बंसीलाल परिवार से कोई नहीं था। कांग्रेस ने श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव दान सिंह को दे दिया था, और तब तोशाम में भी ऐसा ही माहौल बनने के चांस दिखाई दे रहे थे। बीजेपी में तोशाम से पूर्व विधायक शशिरंजन परमार और अनिल शर्मा जैसे मजबूत दावेदार हैं, तो कांग्रेस में जिला परिषद की चेयरमैन अनिता मलिक, राजवीर सिंह लाला, पूर्व कमिश्नर के बेटे संजीत ख्यालिया, पूर्व सांसद जगबीर सिंह के बेटे कमल प्रधान, बिजेंद्र दहिया डाडम, मनेंद्र बागनवाल सहित कई उम्मीदवार हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बंसीलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी को टिकट दिया तो चुनाव में भाई बहन आमने सामने होंगे। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से बंसीलाल परिवार 1967 से अब तक सभी 14 चुनावों में लड़ा है। 7 चुनाव खुद बंसीलाल ने लड़े और 6 बार जीते। 4 बार उनके बेटे सुरेंद्र सिंह लड़े और 3 बार जीते। 2005 में उनकी मौत के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी किरण चौधरी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में भी जीत दर्ज की। यहीं से जीत कर बंसीलाल 4 बार मुख्यमंत्री बने। राजनीति के अलावा तोशाम एक धर्म नगरी भी है। यहाँ पर हरियाणा का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है। भगवान विष्णु के 8वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां तोशाम की पहाड़ी से मिले हैं। ये हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत है। इसकी मंदिरों और पहाड़ों के कारण एक अलग पहचान है। यहाँ बाबा मुंगिबा का मंदिर है। बाबा गोपीनाथ ने अपनी बहन चंद्रावल और मामा भृतहरि के साथ तोशाम की पहाड़ी की यात्रा की थी। गोपीनाथ की बहन चंद्रावल के मूंगे रंग के वस्त्र धारण करने की वजह से इस धाम को बाबा मुंगिबा धाम कहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।